बसमिल सामीकर असलकुम एफ़ एम वन वन पॉइंट फोर मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर रेडियो हल टाइम विद जुनेदम सारी में हमारे आज के मोज़ज़ मेहमान हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने निजी शोबे में शुगर से लेकर जितनी स्पेशलिटीज़ हैं उनमें काम किया और जब से कोविड 19 ने हमला किया आज़ाद कश्मीर का सबसे जदीद और पर्पस बिल्ट प्राइवेट सेटअप जिसमें कोविड के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ डॉक्टर अली चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सबसे तवील अरसे तक सदर भी रहे इनसे हम बात करेंगे इन्होंने वक्त दिया डॉक्टर अली चौधरी साहब ऐब मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ा और उसके बाद आपने निजी शोबे में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रियासत हॉस्पिटल में आ, मैं देखता हूँ यहाँ पे किडनी डायलिसिस सेंटर भी आप चला रहे हैं शुगर के मरीज़ों के हवाले से आपका सेंटर जो है डेडिकेटेड सेंटर है कोरोना के हवाले से आपने जो काम किया उसे बड़ी सती नज़रों से तमाम लोगों ने देखा इस सफ़र को तबी सफ़र को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे बिसम अलकुम शामिल देखें जी मेरा जो मेडिकल की प्रैक्टिस का सफ़र है वो आलमोस्ट तीन दाई से ऊपर हो चुका है और शुक्र अलहमदिल्ला कि मैंने इस पेशे को इबादत समझ के किया है आज जब कौम पर दो साल पहले कोरोना की वबा आई और उस वक़्त मेडिकल प्रोफेशन में भी और पूरी दुनिया में भी एक खौफ का आलम था कि कोई कोरोना के मरीज़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था तो तब भी मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ने हमें इस पेशे में डाला है तो हम ये तख्सीस करते रहें कि फ़लाँ बीमारी को देखना है और फलाँ को नहीं देखना तो ये नहीं बात बनती मेरे दिल ने कहा कि नहीं हमने तो मरीज़ों को हर आल में देखना है तो फिर अल्लाह का नाम ले कर हमने शुरू किया और फिर अल्लाह ने हमारी मदद भी की कि, कि मीरपुर में बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेटअप में किसी ने खुल के मरीजों को कोरोना के मरीज़ों को जो देखा वो अम्मी थे और शुक्र अल्लाह का कि हमने कोरोना की जितनी वेव्स आई उन सब में हमने पूरी तरह काम किया और अल्लाह ने हमारे मरीज़ों को सेहतियाब किया आ, मुझे आ, याद है कि यहाँ पे जो मुख्तलफ़ सेशंस तलीमी सेशंस होते हैं आ, उनको अक्सर आप ही सरबाई उसकी कर रहे होते हैं आपके थ्रू यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग का जो एक आ, चल रहा होता है उसमें आपका एक जुमला था कोविड जब कोविड नाइन्टीन जब शुरू में ही आया आपने कहा था कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि एग्रेसिवली अगर इसको कोविड को ट्रीट किया जाए इसका मुकाबला किया जाए तो <coughs> सौ फीसद मरीज बच सकते हैं देखें जी कोरोना के जो वायरस है वो जिसम के बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है उनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो लंग्स को करता है तो जो कोमारबिड लोग होते हैं जो डायबिटिक हैं या आलरेडी कोई लांग दवाइयों पे हैं आर्थराइटिस के मरीज़ हैं शुगर के हैं ब्लड प्रेशर के या किसी और लंबी बीमारी के पहले से मरीज़ हैं उनके लंग्स पे ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन का अटैक आ जाता है तो अब इन्फेक्शन के लिए एग्रेसिव किस्म की एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और एंटी इन्फ्लेट्री ट्रीटमेंट किया जाए तो अल्लाह की ज़ात मदद करती है मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते हैं जो लोग शुरू में कुछ दिन ज़ाया कर देते हैं ट्रीटमेंट लेने में एजिटेंट होते हैं उनके लिए वाकई मिसाइल बनते हैं और मैं अपनी उस बात पे आज भी कायम हूँ कि जिन लोगों का पहले दूसरे तीसरे दिन में ही एग्रेसव ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है वो आम तौर पे सौ फीसद दुरुस्त हो जाते हैं अच्छा डॉक्टर रियासल चोई साहब हमने देखा कि पहले शुगर के हवाले से आपके बहुत से मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में लोग देखते हैं फ़ायदा भी होता है जो बंदा डायबिटिक हो शुगर की बीमारी हो साथ उसको खुदा न खास्ता कोरोना का अटैक हो जाए तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन कहेंगे आपके लिए मुश्किल होता है इसको देखें जी ये कोविड जो है ना ये एक सेहतमंद बंदे के लिए तो कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है कोविड ज़्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए है जो उनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है उन्हें शुगर है उन्हें दिल की तकलीफ है उन्हें पहले से जोड़ों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या वो पिछले चंद महीनों में पेशाब की या कोई और इन्फेक्टिव प्रोसेस से गुजरे हैं और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है उनमें डायबिटिक लोगों पे इसका अटैक ज़्यादा है ज़्यादा बुरा है और लिथल है बिल्कुल सही डॉक्टर रियासल चोई साहब के हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें बहुत से लोगों ने सवालत अपने जमा करा रखे होते हैं जो हम आप जैसे कंसल्टेंट्स को यहाँ मदू करके उनसे उनके जवाब लेते हैं मैं सामीन को बताता जाऊँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के कामयाब तरीन फिजिशंस में से एक फ़िज़िशन डॉक्टर रियासत अली चौधरी चीफ एग्जैक्टिव रियासत हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के बहुत तवील अरसे तक सदर भी रहे और बहुत इल्मी काम आपने किया अपनी कम्युनिटी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए इस वक्त हमारे मेहमान हैं रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेदम सारी में रेडियो पाकिस्तान रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर एफ एम मीरपुर आप सवाल भेज सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएँ नाम जगह और सवाल लिखकर भेज दें डबल फोर सेवन वन पर अच्छा डॉक्टर रियासत जोही साहब जकिया बीबी हैं इन्होंने इस्लामगढ़ से एक सवाल भेजा जो कि मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें इनका ये कहना है जी कि हमारे बहुत से लोग जो कि इन्फेक्ट हुए कोरोना कोरोना से आ, अगर उनको सरकारी अस्पताल में भेजा गया तो वहाँ पे हमें डर लगा रहा कि कहीं इनकी बीमारी बढ़ ना जाए और इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में भेजा तो वो फी दिन लाख डेढ़ लाख रुपया ख़र्च होता है तो मीरपुर में कोई ऐसी चॉइस है जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिविटी भी हो देखें जी हमारे यहाँ तो जो खर्च है वो अगर पंडित इस्लाबाद से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है उनसे अगर ये कहा जाए कि एक चौथाई हमारे पास ख़र्च है तो वो गलत नहीं है और ये एक चौथाई खर्च में उनकी मेडिसिन भी शामिल हैं बिल्कुल सही तो और इसमें जहाँ तक मेरी मालूम हैं बड़े महंगे किस्म के इंजेक्शन जो हैं आ, वो लगते हैं वो मिला के आप बता रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद से वन फोर्थ वन फोर्थ, वन फोर्थ।, वन फोर्थ।, वन फोर्थ। पिंडी इस्लामाबाद के जितने आम से सेंटर हैं ना उनसे भी हमारा पास ख़र्चा वन फोर्थ है बिल्कुल सही जी आ, सुरिया फातमा हैं जी इन्होंने चक्सवारी से सलाम दिया है इनका सवाल है कि डॉक्टर साहब ये बताएँगे कि आम नमूनिया में और कोरोना में क्या फ़र्क है क्योंकि उमून नमूनिया दमा और कोरोना इन तीनों में कहते हैं कि सांस पेशेंट को सही तरीके से नहीं आता देखें जी दमे के लिए तो हमारी जो मेडिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो आस्कल्टेसन पे जब हम स्टेथोस्कोप से सुन रहे होते हैं तो वो साउंड्स अलग होती हैं दमे के साउंड में वीज होती है क्रेपिटेशन नहीं होती और जहाँ नमूनिया होता है वहाँ वीज नहीं होती वहाँ साउंड एबसेंट होती है या क्रैपटेशन होते हैं वो तो एस्कल्टेसन पे ही डॉक्टर कर लेते हैं कि ये दमा है या ब्रोंकाइटिस है या नमूनिया आगे क्वेश्चन ये आता है कि जी एक आम सादा नमूनिया होता है और एक कोविड है इन दोनों में फ़र्क क्या है जी। तो वो इन दोनों का फ़र्क जो है वो एक तो हम उस पर एक्सरेज और सीटी स्कैन पे उसका फ़र्क लेते हैं और दूसरा लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है उनसे वो होता है जो कोविड नमूनिया है उनमें लेबॉर्ट्री टेस्ट टोटली साधारण नमूनिया के 180 डिग्री डिफरेंट होते हैं तो उसका तो वो ज़्यादा क्लिनिकली हम फैसला करते हैं कि ये दमा है ये सादा नमूनिया है या ये कोविड नमूनिया इनके सवाल से डॉक्टर अली चोई साहब जो मैं समझा हूँ कि पेशेंट शायद ये ख़तरा महसूस करता है कि अगर आपकी तरह का कोई तजुर्बाकार फिजिशन वहाँ मौजूद ना हो कोई नए डॉक्टर साहब हों तो वो कहीं दमे के मरीज़ को भी कोविड का ट्रीटमेंट ना दे दे जी नहीं ऐसे नहीं होता देखें कुछ चीज़ें तो कामन होती हैं ना मसला अगर किसी के ऑक्सीजन लेवल कम है और वो दमे की वजह से है तो उसको मैं तो सिंपल हम नेबलाइज़ करके उसके ऑक्सीजन लेवल को पूरा कर लेंगे अगर किसी का नमोनिया की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम है तो उनको ऑक्सीजन लगेगी और जो ही वो नमोनिया रिजॉल्व होगा वो ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाएगा रही बात ये कि कोविड का मेडिसन और सादा नमोनिया की मेडिसन उसके लिए कोई भी डॉक्टर इतना ये नहीं करता कि वो टेस्ट कम्प्लीट किए बगैर वो उसके मेडिसिन शुरू कर दे वो तो टेस्ट करके ही फैसला किया जाता है जी जी सामीन इस वक्त गुफ्तु जारी है हमारी डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं इस वक्त जो कोरोना के हवाले से कोविड के हवाले से सबसे कामयाब जो सेटअप प्राइवेट सेटअप जो है हमारे सामने मौजूद है डॉक्टर रियासत चौधरी साहब रियासत हॉस्पिटल ये चला रहे हैं यहाँ पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं अच्छा डॉक्टर अली चौहरी साहब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि शुगर जो कि एक लिथल बीमारी और मुझे याद है कि आप आप एक पंच लाइन दिया करते थे कि शुगर का मरीज़ उसे चाहिए कि अपने पैरों की ऐसे हिफाजत करे जैसे अपने चेहरे की हिफाज़त करता है आ, मैं चाहूँगा कि लोग जो सुन रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में उन्हें थोड़ा गाइड करें कि ये जुमला आपने क्यों कहा देखें जी जो हम देखते हैं ना कि वो लोग जो डायबिटिक हैं और वो अपने पाँव की डायबिटीज़ की पूरा कंट्रोल नहीं करते तो उनको न्यूरोपैथीज़ होती है न्यूरोपैथीज में ये होता है कि जो पाँव हैं उनकी उंगलियां और पाँव सुन्न हो जाते हैं और आम तौर पे आपको कोई ठोकर लगती है या कुछ होता है छोटा मोटा ज़ख्म लगता है कोई कांटा चुभता है तो वो पता नहीं चलता और वो चूंकि दर्द नहीं हो रहा होता वो न्यूरोपैथी होती है तो उससे वो ज़म जो है वो ख़राब हो जाता है और डायबिटिक का ज़ख़म जो है वो अदरवाइज़ भी बहुत बुरा है लेकिन वो ज़ख़म जो पाओ का है डायबिटीज़ में पओं का ज़ख़म जो है वो इंतही खतरनाक है बल्कि अगर ये कहें कि डायबेटिक बंदे में अनकंट्रोल डायबिटीज़ में पाओ का ज़खम जो है वो मौत की तरफ या कब्र की तरफ का पहला कदम है तो इस कदम को इस पेशरफ्त को रोकने के लिए पेशेंट क्या क्या, क्या करे सर चूँकि डायबिटीज़ के बहुत से मरीज़ हमारे देखें जी डायबिटीज़ को पहली बात तो यह है कि डायबिटीज़ को बहुत अलकान लिया जाए अगर किसी को शुगर हो गई है तो वो फिर उस शुगर को संजीदा ले और संजीदा लेने में मतलब यह है कि वो अपनी खुराक में भी एहतियात करे वो अपनी ज़िंदगी को भी एक्टिव बना ले और वो अपनी मेडिसिन भी जो डॉक्टर ने तजवीज़ की है उसको बाकायदगी से ले ये तो पहली बात है दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ वक्त के साथ साथ कम्प्लिकेशन अपनी करती है आपने बहुत कंट्रोल रखा तो मुमकिन है वो कम्प्लीकेशन दस साल बाद आए और अगर आपने अच्छी तरह कंट्रोल नहीं किया तो वो कम्प्लिकेशन दो साल में भी आ सकती हैं तो जो शुगर की बड़ी कम्प्लिकेशनज़ हैं उनमें न्यूरोपैथीज़ हैं उनमें जो ब्लड सप्लाई ऑफ वैसल्स है वो श्रेंक हो जाती है जिसकी वजह से टांगों में जलन होती है दर्द होता है मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है औरतों में पाँव के जलन और सुन हो जाता है उसके बाद दिल की बीमारियां आ जाती हैं गुर्दे की बीमारियां आ जाती हैं आँखों की बीमारियां जो बहुत कामन है शुगर की वजह से वो होती हैं तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप उनके एहतियात करें जब हम लोगों को बताते हैं कि शुगर में जिन चीज़ों को मैनेज करना है या करवाना है डॉक्टर से उनमें एक पाऊँ भी है कि कोई भी डायबेटिक बंदा है वो जब भी अपने डॉक्टर को चेक करवाने जाए तो वो अपने पाँव को भी ज़रूर चेक करवाए और जो आमतौर पर डायबेटिक बड़ी उम्र के लोग होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को या घर वालों के जरिए अपने पाँव के तलवों को पूरी तरह चेक करवाया करें अगर उसमें कहीं पे कोई चंडी बनी हुई है सख्ती आई हुई है या कोई ज़ख्म है तो उसका फौरी तौर पे इलाज करवाएं। जी सामीन आप डॉक्टर रियासत अली चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतहाई माहिर फिज़िशन जिनका तीस साल से ज़ायद का तजुर्बा है शुगर जिसे डायबिटीज कहा जाता है जयाबीतस कहा जाता है इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से मीरपुर से ले लेकर पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने इलाके हैं उनमें देखा जाता है जो ये यहाँ पे बातें कर रहे हैं डॉक्टर अली चौधरी साहब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये किताबी बातें नहीं हैं ये हड बीती लें जग बीती कह लें कुछ भी कह लें ये प्रैक्टिकल इलम है और शुगर के मरीजों से मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब की डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब की इन बातों को गिरा से बांध लें और इनको प्रैक्टिस करें अच्छा डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब मीरपुर आजाद कश्मीर में बहुत से लोग हमारे बरतानिया में रहते हैं लाखों के हिसाब से फिगर क्या कोट करें कोई दस लाख कहता है कोई बारह लाख कहता है आ, वो भी मैंने देखा है कि रियासत हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं ज़्यादा उनमें उस आबादी में आपने क्या देखा क्या ट्रेंड है कौन सी बीमारियाँ कॉमन है उनमें इंग्लैंड में जो हमारी आबादी है ना जी उनमें चूँकि हम लोग बुनियादी तौर पर सुस्त हैं और सुस्त लोगों पे जो चीज़ें जो बीमारियां बड़े अटैक करती हैं वो तीन बीमारियां बहुत कॉमन है हमारे मेरप्रिय जो इंग्लैंड में रह रहे हैं उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है कोलेस्ट्रोल और आर्थराइटस ये चार चीज़ें जो हैं ये हमारे 50 प्लस जो मीरपुरी बेस्ड यूके में लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा है मैं फिर दो रहा हूँ शुगर ब्लड प्रेशर जोड़ों के दर्द और कोलेस्ट्रॉल डिसमिया जैसे कहते हैं ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा कामन है जो इंग्लैंड रिटर्न लोग आते हैं और उनमें एक बहुत बड़े तबके को जो आर्थराइटिस है वो कामन है बिल्कुल अच्छा एक चीज़ हमने देखी है डॉक्टर रियासत अली चौहरी साहब के हमारे जो बरतानिया से लोग आते हैं ख़ुदा खास्ता किसी का कोई अजीज़ कोई प्यारा उसके गुर्दे जो हैं वो किडनी फेलियर मतलब हो चुका है तो वो डायलिसिस के लिए पहले इस्लामाबाद जाते थे आमतौर पे अब मीरपुर में हमने देखा जब से आपने ये इदारा बनाया मुझे याद है कि महसिन कश्मीर महसिन मीरपुर हाजी मोहम्मद सलीम और हूम रम्है ने आपके डायलिसिस सेंटर का अफ्ताह किया था अपने हाथ से फ़ीता काटा था दुआ की थी तो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोगों का मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ हो रहा है तो तमाम सहूलतें मौजूद हैं आपके पास यहाँ पर शुक्र अलहमदिल्ला पाक हाजी सलीम साहब को कोगरी रहमत करे हमने जब ये शुरू किया उस वक़्त डी में डायलिसिस सेंटर बन चुका था लेकिन मुसीबत ये थी कि जो लोग एक क्वालिटी का और साफ सुथरा बेहतर निज़ाम चाहते थे उनके लिए ये नहीं था तो इंग्लैंड से लोग आने में एजिटेंट थे कि उन्हें उतना साफ सुथरा माहौल और वो चीज़ें दस्तयाब नहीं थी तो शुक्र अल्लाह का कि हमने इसे 2014 में स्टार्ट किया था और तब से अब तक कम अज़ कम इंग्लैंड में जो हमारे बहन भाई हैं और वो डायलिसिस पे हैं वो जब भी पाकिस्तान आना चाहते हैं वो खौफ़ पाकिस्तान आ जाते हैं हफ्ता दस दिन दो हफ्ते चार हफ्ते जितना वो रहना चाहते हैं हम उन्हें पूरी सर्विस देते हैं और वो बखुशी आते जाते हैं पिछले सात सालों में बहुत सारे लोग हैं जो सात सालों में पाँच दफ़ा चार दफ़ा छः दफ़ा इंग्लैंड से आ चुके हैं कुछ वो भी हैं कि जो सालाना आते हैं कुछ वो भी हैं जो उससे पहले भी आते हैं शुक्र अल्लाह का कि अब वो खौफ ख़त्म हो गया है हमारे चुड़ोई तक के लोगों का भेम्बर तक के लोगों का ये मीरपुर डिवीज़न के लोग मेजॉरिटी जो है वो डायलिसिस के लिए जो बाहर से आते हैं वो हमारे पास आते हैं माशा अच्छा यहाँ पे मैं चाहूँगा पब्लिक को साथ साथ ता, ताकि ये फ़ायदा होता रहे कि किडनी को ख़राब करने वाली चीज़ें खुदा ना खास्ता कौन कौन सी हैं और एक आम आदमी नौजवान चाहता है कि मेरी किडनी बची रहे तो वो क्या एहतियातें करे देखिए जी किडनी तो हमारे जिसम के एक्सक्रीटरी निज़ाम का सबसे बड़ा आर्गन किडनी है जो कुछ भी हम खाते हैं उसने यूटिलाइज होने के बाद जो जिसम से बाहर निकलना है वो दो ही रास्ते हैं एक लेवर है और एक किडनी है जी तो हर वो चीज़ जो मेजॉरिटी को पता है ये ये चीज़ें सेहत के लिए इंजोरियस हैं वो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों में ये है कि जो लोग नादानिस्तगी में कर जाते हैं नंबर एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करना ये गुर्दों को तबाह करता है नंबर दो शुगर को कंट्रोल में ना रखना ये गुर्दे आपके तबाह होते हैं हमारे यहाँ जो तीसरी बड़ी आज है वो दर्दों की दवाइयाँ जो हैं जो लोग आर्थराइटिस के मरीज़ हैं या कुछ लोग छोटी मोटी दर्द पे भी बार बार दवाइयाँ दर्द की दवाइयाँ खाते हैं तो दर्द की बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मर्दाना ताकत की जो दवाइयाँ लोग हकीमों से और कुछ मुख्तल जगहों से लेते हैं ये मर्दाना ताकत की दवाइयाँ भी एक बड़ी काज़ है गुर्दे को नुकसान पहुँचाने की उसके बाद जो रूटीन की बीमारियाँ उनमें अगर किसी को अल्लाह की तरफ़ से गुर्दे में पथरी है या कुछ है और उसका वो प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहा तो उससे भी गुर्दा को नुकसान पहुंचता है इन्फेक्शन होगी किसी वजह से पेशाब की इन्फेक्शन हो गई और आपने सही तरह इलाज नहीं करवाया और वो मसाने से ऊपर गुर्दों तक चली गई तो उससे भी गुर्दे तबाह होते हैं लेकिन जो मेजर बड़ी चीज़ें हैं वो शुगर ब्लड प्रेशर दर्द की दवाइयाँ गुर्दे की पत्थरी और मर्दाना ताकत की दवाइयाँ ये बड़ी वजूहत हैं गुर्दे ख़राब में अच्छा ये जो आपने डॉक्टर साहब सारी चीज़ें बताई हैं ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह इस सेंटर में आप डील कर रहे हैं रियात हॉस्पिटल में ये जो मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात हैं जाहिर है कि एक समझदार डॉक्टर जो है जो एम बी बी एस पास किया है कम अज़ कम एम बी बी एस भी जिन्होंने किया हुआ है वो कोई ऐसी मेरा ख्याल है चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते कि जो खुदा न खास्तः किसी आर्गन को जाके डैमेज करे आपने जिक्र किया नीम की का, तो वो कोई उसमें कुछ तो कुछते तो, कुछ बुझते कोई कुछ मेटल वेटल डाल देते हैं क्या गुर्दे को हिट क्या करती है चीज चीज़ जाके देखा जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुँचाती हैं अब ये लोग क्या क्या करते हैं मुझे उनकी तफसील नहीं पता लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आते हैं गुर्दे के फैक्ट्री उनमें से बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री में ये होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से हाँ वो दवाई ली होती है ये ये एक फैक्टर आता है ये डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब ने जो बात कही है मैं तमाम कम्यूनिटी से गुजारिश करूँगा कि खाम खा के मतलब आ, आ, आप इबह मत पालें उलझने मत पालें आपको कोई भी बीमारी है चाहे वो जिनसी कमज़ोरी का मसला है चाहे कोई और इशू है आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं किसी भी नीम हकीम के पास आप जाएंगे वो आपकी सेहत ख़राब करेगा आपकी ज़िंदगी का दुश्मन होगा इसी तरह आप नीम मुला के पास जाएंगे तो वो आपके ईमान के हवाले से जो मसाइल हैं शायद उस तरीके से ना बता सके जो कि एक जयद आलम बता सकते हैं हमारे मुल्क में यही सबसे बड़ा मसला है डॉक्टर साहब ये वाकई ये बात है हमारे मुल्क में कि आप किसी से कोई दीनी मसला पूछ लें तो हर बंदा आलिम है कोई आप अपनी मर्ज बताते हैं तो हर बंदा डॉक्टर देखें जी ये आपने वो बात की हमारे यहाँ इतफाक ये है कि हर बंदा अपने काम पर तो नहीं करता और दूसरे के काम पर पूरी वो नज़र भी रखता है तोज्जो भी करता है और असूली तौर तो पर चाहिए ये कि हम सारे अपने अपने काम पर पूरी तवज् करें जैसे दुनिया में होता है कि जो जिसका काम है वो अपना काम ही करे ये, ये, ये ज़्यादा बेहतर इसी तरह जी सवाल जो आ रहे हैं मैं चाहूँगा वो साथ साथ सा, सा शामिल करता करता जाऊँ मसूद ताहिर साहब में सेक्टर बी फाइव से इस्लाम दे रहे हैं डॉक्टर चोई साहब इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब बहुत मेहरबान और बहुत ही अच्छे फिजिशियन हैं हमारे फैमिली फिजिशन हैं हमारा पूरा ख़ानदान इनके पास जाता है इनके लिए दुआएँ देते हैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि डॉक्टर साहब आज कल मौसम बहार की भी आमद आमद है और लोगों को शक पड़ जाता है कोई छींक मारे तो लोग उसे दूर हो जाते हैं कि लो जी कोरोना हो गया तो ज़रा थोड़ा बता दें कि ये एलर्जी में कोरोना में क्या फर्क है देखें जी हर साल मौसम बार में आलमोस्ट पंद्रह फरवरी के बाद पोलन सीज़न शुरू होता है और वो सदियों से ये पोलन सीज़न आता रहा है बहुत सारे लोग जो उसके फैक्ट्रीज हैं उन्हें पहले से पता है कि उनका ये है लेकिन इस दफ़ा पिछले दो सालों से चूँकि पोलन के इलाज में ज़रूरी हिस्सा था पोलन से बचना यानी घर के अंदर बंद रहना या नाक पे कोई कपड़ा या कोई मास्क वगैरह तो आजकल कोरोना की वजह से मास्क ऑलरेडी बहुत बड़ी पापुलेशन ले रही है तो ये मास्क कम से कम उन मरीज़ों के लिए जो पोलन एलर्जी के मरीज़ हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग होगी बाकी रही बात कि वो लोग जिनको पहले से कई सालों से एलर्जी हो रही है हर साल पोलन एलर्जी उन्हें तो ख़ुद पता है कि ये उनका पोलन एलर्जी है और जिसको पहले कभी नहीं हुआ था इस साल हो रहा है उसको किसी न किसी डॉक्टर को चेक करवा के अपना कंफर्म करना चाहिए क्या ये सिंपल एलर्जी है या कोई और मसला है वाह बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब ने तरीके से बात समझा दी मुझे उम्मीद है इसका आपको फ़ायदा हुआ होगा तमाम अहबाब को मैं एक मतबार फिर मतलब करता जाऊं कि रेडियो हेल्थ टाइम विध जुनेदारी पूरे पाकिस्तान पूरे आज़ाद कश्मीर में ये प्रोग्राम आप सुनते हैं बड़े शौक़ से इस वक्त डॉक्टर रियासत अली चौधरी तीस साल से ज़ायद आपकी प्रैक्टिस मीरपुर में रियासत हॉस्पिटल के नाम से आपका इदारा जो है बहुत एहतराम से इ्ज़त से देखा जाता है आपकी प्रैक्टिस को आपकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स पेशेंट्स एंड कम्युनिटी सोशल वर्क भी जहाँ पे करते हैं वो तो अल्लाह के साथ इनकी तिजारत है लेकिन कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी के अंदर डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब का जो एक मवसर और मुस्बत किरदार है वो सबके सामने है डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लोगों को ज़रा इस हवाले से भी बताएंगे हाइजीन ये जो जिसे हम सफाई सुथराई कहते हैं ये इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है देखिए जी सफाई नसफ़ ईमान है ये हम बचपन से जब स्कूल में पढ़ते थे मदरसे में पढ़ते थे तब से सुनते हैं सफाई सिर्फ न ईमान नहीं है सफाई नसफ़ ज़िंदगी भी है क्योंकि मज़हब ने तो हमें कदम कदम पे साफ रहने का सिखाया है और जहाँ पे जो लोग प्रॉपरली अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं तो सफ़ाई सिर्फ जिसम की सफाई नहीं है सफ़ाई आपके एनवायरनमेंट की भी है आपके घर की भी है आपकी गली की भी है आपके मल्ले की भी है आपकी हर चीज़ की है आपकी सोचों की भी है और आपने उसमें अच्छा इजाफा कर दिया कि सफाई सोचों की भी ज़रूरी है जब सोचों में गंदा आ जाता है ना तो वो जिसम में भी गंदा आ जाता है तो सफाई जो है वो सिर्फ सेहत के लिए जिसमानी सेहत के लिए नहीं रूहानी सेहत के लिए भी अच्छा ज़रूरी होगा इसी से मिलता जुलता चूंकि आगे सवाल था मुबशर साहब हैं इन्होंने कल्याल से सलाम दिया है और कह रहे हैं डॉक्टर साहब अरसा दराज से मीरपुर में यहाँ पर ग्रेटर वाटर स्कीम यहाँ पे सुन सुनते थे हम जिसमें सेवरेज का भी होना था लेकिन आज कल मीरपुर में जगह जगह पर खुदाई हुई हुई है और सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है जगह जगह ढेर बनाए हुए हैं डॉक्टर साहब क्या इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं देखें जी बात यह है कि ये तो जो कुछ आजकल हो रहा है ये किसी भी महज माशरे में इस तरह नहीं होता कि भाई आपने सड़कें खोद दी और फिर भूल गए बारिशें हो रही हैं गंद हो रहा है रास्ते बंद हुए हुए हैं कचरा उधर रुका हुआ है ये कम से कम हमारी गवर्नमेंट को और हमारे साहबान अख्तियार को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये काम होते हैं एक तरीके से एक तरतीब से होते हैं यहाँ भी वही प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए जो बाकी दुनिया में हो रहे हैं ये जो कुछ हो रहा है ये एक समाजी बुराई है और ये गलत हो रहा है हमें हम सब को मिल के इस पर काम करना चाहिए कि जहाँ भी खुदाई करते हैं वो खुदाई अगले 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे में बंद होनी चाहिए उस जगह को दोबारा से साफ़ हो जाना चाहिए जैसे दुनिया में होता है मुझे मुझे याद है डॉक्टर रियासतली चौधरी साहब आप और आपके दोस्तों का एक ग्रुप है जिनमें डॉक्टर हनीफ साहब डॉक्टर अमजद जो कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ताहिर आप सब लोगों लोगों ने जब आप पी के सदर थे तो आपने एक तहरीक चलाई थी कि ग्रेटर कब्रस्तान होना चाहिए इलमी आपकी वो काविश अल्लाह ने कामयाबी दी मजीद साहब ने आपके इस ब्रेन चाइल्ड को एडॉप्ट किया और हज़ारों कनाल पे मबनी कब्रस्तान बन गया इसी तरीके से आप सफ़ाई सुथराई के हवाले से इन की बात करते होते थे कि जितना कूड़ा इकट्ठा होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो ताकि बीमारियाँ ना फैलें उसमें मेडिकल वेस्ट भी शामिल है तो अब शहर में जगह जगह हम देखते हैं कि दर्जनों के हिसाब से वो ढेर बना दिए गए हैं जहाँ पे लोग जाके कूड़ा फेंकते हैं वहाँ जानवर भी फिरते हैं बीमारियों से तो फैल सकती हैं सर आपके इस आइडिए पे काम अगर हो जाए इंसनीटर पर फ़ायदा होगा देखें जी इंसनेटर तो महब दुनिया में तो हर जगह हर टाउन के लेवल तक होते हैं हमारे यहाँ तो इस वक्त तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही सिरे से कोई सिलसिला नहीं है यहाँ से जो मैं रोज़ाना देखता हूँ कि ट्रालियाँ भरी जा रही होती हैं और इंडस्ट्रियल एरिए के करीब पुल के करीब फेंक आते हैं और वही वहाँ से बारिश आती है तो वो नहर में जाता है वही पानी जो है लोगों के उस तरह हो रहा है प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी बेहद सोच के कम से कम अब मीरपुर शहर कोई मिसाल लेके इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर तरीका किया जाए ताकि बाद में बाकी ज़िलों में भी वो फॉलो किया जाए हाँ इस वक्त तक तो दुनिया से बहुत पीछे है इस वक्त यहाँ पे सरदार अब्दुल अब्दुलकयूम खान न्याजी साहब की हुकूमत है उनसे बड़ी हमारी न्याजमंदी उनके इंटरव्यू भी किए और अंसर निसार अब्दाली साहब से भी इंटरव्यू हम करते रहते हैं हम इनसे गुजारिश करेंगे कि बल्दिया के जो साहब हैं मिनिस्टर हैं ख्वाजा फारूक साहब वो भी अपने मेहरबान हैं कोई प्लान करें क्योंकि महजब दुनिया में जैसा कि डॉक्टर रियातली चोई साहब ने फरमाया है वहाँ पर प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ़ जाते हैं कि वो चीज़ें कि जिनसे बीमारियाँ फैल सकती हैं आप उन्हीं को जाके कंट्रोल कर लें डॉक्टर चोई साहब से आप सवाल

बरतानिया अमेरिका पूरी दुनिया ओपन हो चुकी है लेकिन हम अभी तक जो हैं ये इन वेव्स को अभी तक फेस कर रहे हैं क्या कहते हैं आप इस हवाले से देखें जी बात यह कि हमारा तो मुसीबत यह है कि हमारे जो फैसला कन लोग हैं उन्हें फैसले करने में बहुत देर लगती है वो अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लगा देते हैं तो फिर हटाना भूल जाते हैं हटा देते हैं तो लगाना भूल जाते हैं प्रैक्टिकली सूरत यह है कि अब दो सालों में हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि एहतियात एक ख़ास हद तक ज़रूरी है लेकिन जिंदगी को ब्लॉक करके बंद करके आप जिंदा नहीं रह सकते ऊपर से ये है कि कोरोना ने पिछले दो सालों में बहुत सारे वेरिएंट आए बहुत सारी शक्लें तब्दील की हैं तो अब उसमें मेडिकली तो ये है कि कोई एक भी वेरिएंट अभी तक कायम नहीं है वेरिएंट उसकी शक्ल चेंज हो रही हैं जो वायरस कोरोना है वो मुख्तलफ शक्लें चेंज कर रहा है तो एक तो उसमें आ जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल पॉइंट ऑफ़ व्यू से आपने वैक्सीन करवाई है जिस वेरिएंट की अब वेरिएंट चेंज हो गया तो वो वैक्सीन उतने इफेक्टिव तो ना रही सौ परसेंट तो ना रही अब आप कितने वेरिएंट्स की वैक्सीन करवाएंगे तो अब उसमें यही बचता है कि हर्ड इम्यूनिटी हो लोग एक दूसरे से मिलें जुलें और उनसे एक दूसरे का एक्सपोजर हो और नए से नए वेरिएंट की ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो उसका काम करे ये तो है मेडिकली सोशली ये है कि हमें सोशली और रिलजसली मैं अपनी बात करने लगा मुमकिन है कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ भी करें वो ये है कि ये वायरस अल्लाह की बनाई हुई है और शायद हमारे मुख्तलफ़ अमाल के नतीजे में अल्लाह ने ये पूरी दुनिया में फैलाया है और पूरी दुनिया की सोशलॉजी चेंज हो गई है तो, तो अब हमें इसमें जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें अल्लाह से तोबा करनी और एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना ये दो ज़रूरी हैं इससे बचाव के लिए बिल्कुल सही जी यहाँ पे एक और सवाल है जो कि हमें इश्तियाक साहब ने भेजा आ, नांगी से इनका ये कहना है डॉक्टर साहब डॉक्टर यासल चोई साहब आप यहाँ पे डायलिसिस से सेंटर ज़ाहिर है कि इसको आप रन करते हैं क्या ये मुमकिन है कि जो कोई बंदा जिसके गुर्दे जो हैं वो फ़ेल हो चुके हैं उसको ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे गुर्दा लगा दिया जाए और वो ठीक हो जाए क्या ये मीरपुर में या आज़ाद कश्मीर में मुमकिन है जी बिल्कुल मुमकिन है लेकिन अभी तक रेनल ट्रांसप्लांट मीरपुर में या आज़ाद कश्मीर में सरकारी या प्राइवेट सतह पे शुरू नहीं किया गया बिल्कुल सही। तो रही बात मुमकिन और नामुमकिन की ये सौ फ़ीसद है हमारे यहाँ जो यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्रांसप्लांट में काम किया हुआ है और अगर गवर्नमेंट ने वो सहूलत प्रोवाइड की उन्हें तो करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन अभी तक कोई कर नहीं रहा कर कोई नहीं रहा लेकिन किया जा सकता है ये वर्केबल है और क्या डायलिसिस सेंटर ज़ाहिर है कि आप एक ख़ुद रन कर रहे हैं आपका तजुर्बा जो है वो सबसे बढ़ के है आ, क्या जो जहरा डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज़ जो है ज़िंदगी सारी के लिए उसके लिए वजीफ़ा है तो ट्रांसप्लांट के बाद उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं, नहीं, तो नहीं रहती नहीं ट्रांसप्लांट अगर कामयाब हो जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती अलबतः यह है कि कुछ मेडिसिन की ज़रूरत रहती है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने की दवाइयाँ होती हैं वो खानी पड़ती हैं लेकिन डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती बिल्कुल सही अच्छा यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और अहम सवाल मुबशर सैफ साहब ने इस वक्त ये ट्रैवल कर रहे हैं इन्होंने डडया से भेजा इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा जो जिससे अमवात हुई हैं कोरोना के जिस वेरिएंट से वो इंडियन वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट तो आजकल जो इस वक्त आया हुआ है इस, इसकी कहा, कहा जाता है कि फैलाओ की शराब बहुत ज़्यादा है लेकिन अमवात की शरह कम है क्या ये बात दुरुस्त है जी ये बात दुरुस्त है जो आज से चंद महीने पहले आया था न जिसे बाद में डेल्टा नाम रखा गया इंडियन से हाँ उस वेरिएंट में डेथ रेशो बहुत ज़्यादा थी और उसमें स्पीड भी ज़्यादा थी जो वेरिएंट आजकल चल रहा है इसमें स्वीडी कम है और इसमें डेथ रेशो भी नस्बता कम है एंड मुमकिन है कि जो इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो वैक्सीन करवा चुकी हुई है उसका भी फायदा हो लेकिन इस दफ़ा डेथ रेट बहुत कम है से जी ये बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर रियासत अली चौधरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के बहुत अरसा तक आप यहाँ पे सदर भी रहे और इसके साथ साथ रियासत हॉस्पिटल मीरपुर में डायबिटिक सेंटर शुगर के इलाज का मरकज सबसे बड़ा निजी शोबे का आप अरसे दराज से तीस साल से चला रहे हैं एलर्जी सेंटर सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पर इसी तरीके से डायलिसिस सेंटर रियासत हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर यह भी अवेलेबल है और कोरोना के इलाज का सबसे कामयाब निजी शोबे का आज़ाद कश्मीर का अगर कोई सेंटर है तो वो हमारे आदाद व शुमार की रोशनी में हम ये बात आपको बता रहे हैं कि रियासत हॉस्पिटल ही है डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा वो तमाम लोग जो कि आपको सुन रहे हैं कोरोना के हवाले से अगर आप उनको कोई मैसेज दें कोरोना अगर किसी पेशेंट पे शक पड़ रहा है बजाय इसके उस पर ख़ुद कोई हरब आज़माएँ क्या क्या करें देखिए जी मैं सारे बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि बीमारी कोई भी किसी को भी हो सकती है मसला तब होता है जब हम बीमारी होने के बाद छुपा रहे होते हैं खौफदा हो रहे होते हैं और छुपा रहे होते हैं और दो तीन चार दिन हम उसको छुपाए छुपाए गुजार के बीमारी को ख़राब कर लेते हैं अगर आपको सांस की कोई तकलीफ़ है गला ख़राब है छिंकें आ रही हैं छाती में दर्द है तो आप कम से कम जाके किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवा लें कि भी आपका प्रॉब्लम है क्या ताकि आप वक्त पे उसका इलाज कर सकें ये मैं सारे बहन भाइयों को तसली से कहता हूँ कि वो लोग जो पहले तीन दिनों में ही इलाज किसी बेहतर जगह से शुरू करवा देते हैं वो मोस्टली अस्पताल दाखिल होने के लेवल तक नहीं पहुँचते वो घर में ही ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर किसी को खुदा नख्वा ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया है तो उसको फिर इस बात पे हेजिटेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होगा वो सरकारी अस्पताल भी जाए वहाँ भी पूरी सहूलतें हैं मरीज़ के लिए हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो हमारे अटेंडेंट हैं उन्हें भी वो सारी सहूलतें मिलें तो जिनको वो सारी सहूलतें चाहिए वो प्राइवेट सेटअप में आ जाएँ उनको वो बाकी सहूलतें भी मिल जाएंगी लेकिन इलाज वक्त पे जब वक्त गुजर जाता है तो फिर मुश्किल भी हो जाती है अखराज भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर रिया चौहरी साहब मैं चाहूँगा पूरे आदाद कश्मीर में पाकिस्तान में लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पे आ, उन सुनने वालों को आप ये बताएँगे कोरोना की अलामतें क्या क्या हैं देखिए जी करोना की जो अलामतें कामन अलामतें हैं ना वो ये हैं कि बंदे को बुखार होता है जिसम में शदीद दर्द होता है थकन और कमज़ोरी होती है और ये पहली है यही बात अगर दो तीन दिन बढ़ जाए और फेफड़े इन्वाल्व होना शुरू हो जाएँ तो फिर आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और बाद अकात सांस लेते हुए छाती में दर्द भी होता है ये बेशक अलामत हैं लेकिन काम अलामत जो है वो ये है कि बुखार है थकन है और शदीद जिसम का दर्द है और जब ये अलामतें आए फौरी तौर पर पेशेंट क्या करे फौरी तौर पर वो किसी भी डॉक्टर के पास जाए और वो अपना चेकअप करवा के इलाज शुरू करें पहले हम सुनते थे कि कोरोना का जो टेस्ट होता है उसमें 24 घंटे छत्तीस घंटे लगते हैं अब कितना वक्त लगता है देखें जी कोव रैपिड टेस्ट जो है ना वो आधे घंटे में हो जाए आधे घंटे में टेस्ट हो जाता है और उसके अलावा देखें ये जो टेस्ट है ना डी भी और कोविड रैपिड भी इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी है फॉल्स नेगेटिव भी है अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रही हैं तो फिर कोविड टेस्ट के अलावा भी टेस्ट हैं जो करने पड़ते हैं जिनसे पता चलता है जिनमें सी आर पी है जिनमें डी डायमर है जिनमें एल डी एच है और इस तरह के फेरेटिन है मुख्तलफ़ और टेस्ट हैं जिनको तो करके हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि इनका क्या है? बिल्कुल सही जी करना है कौन सा आर्गनड है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल सही जी आ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेदम अंसारी एफ एम मीरपुर रेडियो आज़ाद कश्मीर रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ जा रही है डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब से हम आखिरी अब मैसेज लेंगे सेहत के हवाले से डॉक्टर रियासत अली चौधरी आज़ाद कश्मीर के सबसे कामयाब निजी शोबे के फिजिशन में से वो फिजिशन हैं जिन्होंने तमाम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमेशा पाइनियर होने की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाईं चाहे डायबिटिक सेंटर बनाने का मसला हो चाहे एलर्जी सेंटर हो चाहे डायलिसिस सेंटर हो और चाहे कोविड को ट्रीट करने के लिए निजी शोबे का सेंटर हो डॉक्टर रियासिल चोई साहब मैं चाहूँगा तमाम लोगों को तमाम कम्यूनिटी को आप एक पब्लिक सर्विस मैसेज दें मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को ये गुजारिश है कि कोई भी तकलीफ़ अगर अल्लाह की तरफ से आपको आती है तो उसको छुपा के ना रखें उसके मुतलक लोगों तक फ़ौर पहुँच के उसका इलाज करवाएँ क्योंकि इलाज में देर जो है वो आम तौर पर नुकसानदेह होती है बहुत जामे बहुत जामे किस्म का मैसेज डॉक्टर रियासत चौधरी साहब डॉक्टर अली चौधरी साहब ने दिया है आज के प्रोग्राम से अंसारी इजाज़त चाहता है फी हाफिज़ एंड गुड बाय